गाइस, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल फ्लाई विद मी में। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से। कई दोस्त कॉल्स करते हैं दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से मालूमात के लिए, इसी वजह से मैं उनके लिए ये पैगाम अपलोड अप कर रहा हूं। तो हम बात करते हैं दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से। सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0315-6564123, 0315-6564123। इस पे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रابطہ कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करता हूँ विज़िट वीज़ा के हवाले से। जो वन मंथ का विज़िट वीज़ा है वो हमारी कंपनी इशू करती है 23,000 में विद इंश्योरेंस, और जो थ्री मंथ का विज़िट वीज़ा है वो हमारी कंपनी इशू करती है 43,000 विद इंश्योरेंस। और एक और मालूमात इसकी अहम है कि विज़िट वीज़ा आप जब भी प्रोसेस करवाएं, विज़िट वीज़ा की टोटल फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। अगर इन केस वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो इसकी टोटल अमाउंट नॉन रिफंडेबल होती है। आप अगर वन मंथ करवा रहे हैं या थ्री मंथ करवा रहे हैं, इसकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है इन केस ऑफ रिजेक्शन। और इसके अलावा एक मालूमात ये है, हमारी कंपनी 1,00,000 रुपये कैश डिपॉजिट गारंटी लेती है पैसेंजर से, जो कि काबिल वापसी है, रिफंडेबल है। लेकिन वो इसलिए गारंटी ली जाती है कि पैसेंजर अपनी मुकर्रा जो मुद्दत है, अगर वन मंथ वीज़ा ले रहा है या थ्री मंथ वीज़ा ले रहा है, उस मुद्दत के अंदर अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा ले, अपने वीज़े को रेजिडेंसी में कन्वर्ट करवा ले, एग्ज़िट करके वापसी पाकिस्तान आ जाए, इलीगल नहीं रहे। क्योंकि लोग एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी कंपनी को भारी जुर्माना पड़ता है, 5,000 दिरहम उसके ऊपर फ़ाइन है। वो 1,00,000 रुपये एज ए गारंटी हम इसलिए रखते हैं कि पैसेंजर इसको चेंज करवा ले। जैसे पैसेंजर उसको चेंज करवाता है या वापसी पाकिस्तान आता है, वो उसकी काबिल वापसी जो है अमाउंट उसको मिल जाती है, वो हमारी कंपनी अपने पास डिपॉजिट रखती है। ये इसका विज़िट वीज़ा का प्रोसेस है, वन मंथ का और थ्री मंथ का। और अगर किसी ने को रابطہ करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुँच चुका है।